हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजन महाना फिटनेस। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और फिटनेस पार्टनर राजन महाना। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक रेसिपी बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने डाइट के अंदर आप बॉयल्ड चिकन बनाएं। बॉयल्ड चिकन बनाना बहुत ही आसान है, और कैसे एक फैट फ्री बॉयल्ड चिकन बनाएं जो कि आपकी मसल तो गेन करेगा साथ साथ आपको फैट लेके नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं वीडियो में क्या है आपके आखिरी लिए। आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कैसे बॉयल्ड चिकन बनाना है क्विक एंड ईजी वे में। दोस्तों, जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, साथ साथ मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों की हेल्प मिल सके। साथ साथ मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करिए दोस्तों, और मेरे शॉर्ट्स भी लाइक करिए वर्कआउट टिप्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गो टू किचन, जस्ट सी क्या से बनाते हैं बॉयल चिकन। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बॉयल्ड चिकन जो कि फैटलेस भी है और साथ साथ बहुत हेल्थी भी है विद प्रोटीन एंड लेस ऑफ फैट्स। सो इसके अंदर बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनाना है आपको। आपको चाहिए 250 ग्राम चिकन, करना कुछ भी नहीं, हार्डली टेक 5-10 मिनट्स बनाने के लिए। आपको करना क्या, इसके रेसिपीज को मिलाना है। आपने पहले चिकन को साफ कर लेना है, साफ सुथरा रख लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा नमक, आप नमक डाल दीजिए इसके अंदर। एड सम सॉल्ट, उसकी हल्की सी आप हल्दी डाल दीजिए, बिकॉज हल्दी इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर, आपको इम्यूनिटी वर्क करती है, साथ में आपकी एंटीबायोटिक भी होती है, तो हल्दी डाल दीजिए आप। साथ में डाल रहा हूँ हल्का सा अमचूर, थोड़ा खट्टेपन देने के लिए, बिल्कुल लाइट वन, एज़ पर योर टेस्ट आप अमचूर डाल सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि कम से कम अमचूर वगैरह कम से कम डालें, क्योंकि ये फैट लॉस के लिए बना रहा हूँ, उस पर डाल रहा हूँ। साथ में बनाएंगे दोस्तों, हम साथ में डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला। जी हाँ दोस्तों, चिकन मसाला डालेंगे इसके ऊपर एज़ पर योर टेस्ट। चिकन मसाला इसको अलग फ्लेवर देता है और आपको खाने में मज़ा आ जाएगा। सो एड सम चिकन मसाला इन इट, सो इट इज़ वेरी हेल्दी। साथ में डालेंगे दोस्तों इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च आपको बेसिकली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है, साथ साथ आपके लिए एंटीबॉडी भी होती है, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, आपको एक नाइट्रिक ऑक्साइड का काम भी करती है। सो हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी काली मिर्च हल्की एक्स्ट्रा रखना ताकि उसका टेस्ट फ्लेवर अलग आता है दोस्तों। साथ में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, बनाना है मार्केट मिलता है, आप चाहे तो घर पी सकते हैं, वो मार्केट से मिल जाता है। सो जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं डाल रहा हूँ इसके ऊपर। सो दिस इज़ जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने डाल दिया इसके ऊपर। देखिए जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद दोस्तों थोड़ा डालेंगे इसके ऊपर धनिया, जो फ्रेश धनिया होता है हरे वाला वो डालेंगे, इसको हम कोरिएंडर भी कहते हैं, डाल देंगे धनिया। देखिए ग्रीन लीव्स धनिया की, दिस इज़ ऑल्सो वेट लॉस के अंदर काफ़ी अच्छा रहता है धनिया, और उसके बाद इसका इफेक्ट भी वो अच्छा होता है, वेट लॉस के अंदर अच्छा काम आता है, साथ साथ आपकी बॉडी में साथ साथ धनिया के एंटी एजिंग इफेक्ट भी अच्छे होते हैं। सो इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। नाउ मिक्स इट वेल एवरीवन, सारा मसाला हर पीस पे आ जाए, आप उसको मिक्स कर दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। मिक्स कर दिया इसको, देखिए। सो वंस यू, जब आप मिक्स करेंगे देखिए इसका फ्लेवर आना चालू हो जाएगा आपको, धनिया का फ्लेवर आया। धनिया थोड़ा तोड़ लें जितना तोड़ सकते हैं, थोड़ा मैश हो जाए बेटर है, क्योंकि धनिया टूट जाएगा तो उसका रस भी निकलता है और तो वो पैदा भी रहता है आपको, धनिया के मिक्सचर से उसका फ्लेवर भी अलग आता है। सो नाउ मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब आपको करना क्या है कि एक हाफ लेमन लेना है, लेमन इसमें डालेंगे जो अलग से टेस्ट देगा। लेमन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इम्यूनिटी काम करता है, विटामिन सी देता है। सो आप इसको हाफ लेमन काट के इसके ऊपर डाल दीजिए। मेक श्योर लेमन के ना बीज ना आए इसके अंदर, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। सो आप लेमन डाल दीजिए इसके ऊपर, ये हमने हाफ लेमन डाल दिया इसके ऊपर। दोस्तों को दोबारा से मिक्स कर देंगे। दोस्तों दिस इज ऑल मिक्सड अप, नाउ यू कैन सी इसका फ्लेवर, और जब आपको मिक्स करेंगे इसकी एक अलग सी महक आएगी आपको, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, मतलब आपको लगेगा कि इस वन ऑफ द बेस्ट चिकन यू हैव मेड। ना तो इसमें ऑयल है फालतू, ना फैट है, ना ज़्यादा फ्राइड है, सिर्फ बॉयल करना है, उसका टेस्ट अमेजिंग होगा। सो दिस इज़ नॉट डन, आप इसको 5-10 मिनट चाहें तो रख सकते हैं, नहीं जाना मत रखिए, अगर चाहते हैं 10-15 मिनट रख सकते हैं, 10 मिनट रखने के बाद इसका पूरा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। दोस्तों अब आपको एक कुकर लेना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, मैं इसके अंदर नारियल ऑयल डाल रहा हूँ, मतलब कोकोनट ऑयल डाल रहा हूँ। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं अगर आप फैट लॉस नहीं कर रहे हैं तो। सो मैंने कोकोनट डाला है, कोकोनट बेसिकली आपको ओमेगा 3 फैट देता है, साथ में सैचुरेटेड फैट देता है, और आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आई एम एडिंग इट। अब मैं क्या करूँगा, जितना भी चिकन था मेरा वो सारा चिकन इसके अंदर डाल दूँगा।
और चिकन को थोड़ा सा आप चिकन को थोड़ा सा मिला लीजिए ताकि उसका जो कोकोनट ऑयल था पूरा इसके अंदर भस जाए। तो नाउ इस चिकन को पूरा मिला लेंगे, इसके अंदर मिक्स कर लेंगे सारे के सारा हॉट मिक्सचर। थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए चिकन को, मतलब फ्राई किया थोड़ा सा ताकि तेल पूरा इसके अंदर मिक्स हो जाए, जितना बार कोकोनट डालते हैं उसके अंदर चला जाए। इसको पूरी तरह फ्राई नहीं करना, हल्का तेल डालना है, मैंने एक चम्मच तेल डाला है, आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू यू डाल सकते हैं। अगर आप फैट लॉस नहीं कर रहे तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, सो दिस विल ऑल्सो गुड गिव गुड टेस्ट टू यू। बट अगर बटर ऐड करें तो आपको नमक थोड़ा कम रखना है क्योंकि नमक बढ़ जाता है बटर डालने के बाद, सो मेक श्योर। सो नाउ इट इज़ ऑल ओके, अब इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। दोस्तों नाउ वी डू वी सम ऐड सम वाटर इन इट, मैंने एक गिलास पानी डाला है इसके अंदर, सो इट विल उसके बाद थोड़ा हिला देंगे इसको ताकि पानी के अंदर पूरा मिक्स हो जाए। दोस्तों लिड को कवर कर देंगे, दो तीन सीटी आएंगी उसके बाद निकाल लेंगे। सो आई विल शो यू कि दो तीन सीटी का कैसा लगता है चिकन। सो फ्रेंड्स स्टीम निकल गई है, अब देखते हैं चिकन कैसा बना है। अब देखेंगे चिकन का, दिखाता हूँ चिकन कैसा बना है। बिंदा कुकर से उतारता हूँ दोस्तों, मैं लिड उतार रहा हूँ। वाओ क्या फ्लेवर आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए चिकन कैसा लग रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया बना है। मैं इसको निकाल के खाता हूँ आपको। दिस इज चिकन रेसिपी बनाई है जो मैंने, देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया चिकन का, एंड चिकन इज यम्मी। अगर आप चिकन देखेंगे सो दिस इज वेरी नाइस, और जिसकी तरी बनी है पानी बनाया उसको भी आप पी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वाटर है, बाकी मसाले हैं उनके से। और इसके अंदर हंसी बात यह है कि इसके अंदर एक सूप का फॉर्म करेगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं चावलों के ऊपर या उसके सूप की तरह पी भी सकते हैं इसको, तो यू विल फाइंड वेरी डिलीशियस। कोकोनट ऑयल है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया बना है चिकन, यू कैन फाइंड हमारे को दोस्तों चिकन इज बिल्कुल गल गया, टेस्ट भी अच्छा, नमक भी लिमिटेड है, खाने मज़ा आ गया। तो आप इंजॉय करो, बताना कमेंट करिए कैसा लगा चिकन आपको। वन ऑफ द हेल्थीस्ट चिकन आई हैव मेड, और बहुत ईजी है, सिर्फ 15 मिनट चिकन बन जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट इफ कैसा लगा वीडियो। साथ साथ चिकन की रेसिपी बताना है कैसे बनाई है आपने, आपको कैसे मुश्किल तो नहीं बनाने में, अगर तो यार कमेंट करिए आपको कैसी लगी, कमेंट करिएगा। तो जल्दी ही आपके न्यू वीडियो लेके आऊँगा, और भी रेसिपीज़ की और वीडियो आने वाली हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल राजमाना फिटनेस, तब तक के लिए नमस्कार।